सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जो कल एग्जाम देने वाले हैं MSO3 का, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का. अपनी तैयारी जितनी करी है उस पर भरोसा रखो. काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, काफी वीडियोज आप लोगों ने देख ली होंगी. अगर वीडियो से पढ़ा है तो, अपनी तरफ से पढ़ा है तो आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया होगा गाइज. तो प्लीज अपनी तैयारी पे भरोसा रख के चलिए. जितना करा है लिख के आइएगा, 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिएगा. ऑप्शंस आते हैं, चॉइस आती है, तो क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है थोड़ा वाइजली चूज करिएगा. ये नहीं शुरू के 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो उनको लिखने में बहुत देर लगा दी एंड लास्ट के 3 क्वेश्चन में टाइम ही नहीं बच रहा है. बिकॉज जो नहीं आते उनमें सोचना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा तो वो ज्यादा टाइम मांगेंगे. जो आते हैं उनको पहले शुरू में स्पीड बहुत तेजी से बना के चलना. डू नॉट लुक फॉर द पेजेस. देखो वैसे पेजेस का डिवीजन करते हैं ना हम लोग की 4 क्वेश्चन के लिए इक्वली पेज हो जाते हैं एंड देन फिर लास्ट में आप लिमिटेड पेज भरते हो. तो वर्ड लिमिट और पेजेस, ये नहीं 2 पेज में आंसर खत्म कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है 2 पेज में तो वर्ड लिमिट आप कवर अप नहीं कर पाओगे. तो बाकी सब आपको पता है, पेन वेन लेके जाना, पानी लेके जाना, ये सब तो मैं नहीं बातें बताऊंगी. बट येस, ऑल द बेस्ट. अच्छी तैयारी है, भरोसा रखो. और नहीं करिए तैयारी, वीडियोज नहीं देखिए, तो जगो और पढ़ो. एक दिन लेट सोओगे, कम सोओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कल एग्जाम देके आने के बाद आराम से चैन की नींद सोना. आई विल नॉट से एग्जाम से 1 दिन पहले चैन की नींद सो. अगर अब तक पढ़ा ही नहीं है तो एग्जाम से 1 दिन पहले चैन की नींद सोने से एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा गाइस. सो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो अभी, जगो आराम से, 2-4 घंटे सोना, पेपर देके आना और आने के बाद दोबारा सो जाना. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए. और अब मत पूछो डाउट यार, कितना पढ़ोगे. अब सो जाना पढ़ के. जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ते रहिए. And all the very best for tomorrow exam. We'll wait for your response after the exam.